तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे सोलो रैंक पुश कॉन्करर लॉबी BGMI गेम प्ले पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। बंदे तो 40, अभी 40 अलाइव है बंदे। तो अभी मैं ये जोन पे जो हूँ, सोचता हूँ कि कहीं पे कोई लोकेशन मिल जाए जहाँ से मैं इजीली थोड़ा कोई पोजीशन मिल जाए तो वहाँ था के वहाँ से फ़ाइट ले पाए। तो मैं स्पॉट तो लोकेशन ढूंढता हूँ, तो उसी बीच में मैं देखूँ कि देखूँ आप लोग जैसे देखिए कि कैसे मैं जगह बनाता हूँ अपना। तो वहाँ जैसे मैं पहुँचूँगा ना, जहाँ पे मैं जो लोकेशन में मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ना ऑलरेडी एक एक दो बंदे तो ऑलरेडी वहाँ रहेंगे। तो ऐसा होता है ना कि सोलो पे अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं ना, तो आपके अगर बड़ा कोई घर है ना, तो वहाँ पे आप एडजस्ट करके आप रिस्क लेके वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। एटलीस्ट ओपन से तो बेहतर है। तो सेफली मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा और यहाँ पे मैं बस उतर जाता हूँ। उसके बाद अभी देखिए क्या सीन होता है। इस सामने की तरफ एक बंदा था, वो जो है वो लेटा हुआ है, बग्गी में है, लेकिन वो बंदा स्पॉट नहीं होता है मुझे, इसलिए उसके वजह से मैं उसे मार नहीं पाता हूँ। कोई मिल जाए तो उसी बीच में सडनली एक बंदा मेरे पर रश मारता, तो उसी बीच में सडनली एक बंदा मेरे पर रश मारता। तो वो तो भाई, जब रश मारो या तो फिर पोजीशन पहले ले लो, या तो फिर पोजीशन नहीं लो तो फिर आओगे तो भाई कोई भी आएगा, हम ही क्यों नहीं आए। डायरेक्टली कहीं कोई बंदा होल्ड किया हुआ वहाँ पे अगर हम जाएंगे और हम वहाँ उतरते हैं ड्राइविंग सीट से, तो ऑलरेडी बंदा जो एनिमी है वो फायरिंग कर चुका होता, तो मेरा फायरिंग स्लो रहता, तो उसमें क्या मरना एकदम फिक्स्ड है। तो इसीलिए ऐसा गलती नहीं करने का रैंक पुश में। तो इसी की वजह से ये बंदा आया सीधी सीधी। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ सामने एक बंदा, दो बंदा का फाइट हो रहा था, उसी में मैं घुस के दोनों का किल उठा लेता हूँ। तो एक तो ऑलरेडी डैमेज था और जो एक बंदा था उसको भी फिनिश कर देता हूँ। सामने से जो बंदा, अरे मेरा स्प्रे जो है ना थोड़ा मिस हो जाता है यहाँ पे। खैर कोई नहीं, इसे तो मैं देखता हूँ। ये बंदा को मतलब ऑलरेडी ये बंदा बहुत डैमेज था, तो इसकी वजह से मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। ये मैं जितना देरी में ये अंदर जाएगा तब तक ये फिनिश हो सकता था, इसकी वजह से मैं इस पर डायरेक्टली पुश मार देता। तो अब चलिए देखते हैं, जोन तो शिफ्ट हो गया है यहाँ से हट के। तो अभी क्या है कि जोन तो शिफ्ट है, अभी जोन भी जाना है। अभी क्या भारी सीन होता है आप लोग ज़रूर देखिए ये गेम प्ले। मतलब कि सर्वाइविंग इतना टफ है ना, तो उसके लिए भाई साहब मैं तो स्मोक मार देता हूँ। फिलहाल के लिए स्मोक मार के मैं यहाँ से पहुँच रहा हूँ, ताकि मैं मतलब यहाँ से अगर मैं क्रॉस हो तो मुझ पर कोई फायरिंग नहीं करे, तो इसके वजह से मैं स्मोक मार देता हूँ ताकि इसको दिखे नहीं। और फिर मैं जैसे ही जोन पहुँचता हूँ तो आसपास भी बहुत तरफ बंदा है, इस कैंप बहुत करते हैं ना, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा ना पीछे भी एक बग्घी आया, तो बग्घी आया तो उसको क्या है कि मैं थोड़ा सा ये बंदा आया, हाँ ये बंदा को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन बंदा जो है ना, ये बंदा को मैं मारूंगा ज़रूर, आप ज़रूर देखिएगा। हाँ ये बंदा को मैं कैसे मारूंगा, ये बंदा जोन के बाहर है, इसके मारने की वजह से मेरे साथ अभी सीन होगा। चलिए देखते हैं। ये बंदा सामने पे TPP ले रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बंदा है ना, ये बंदा जो है नेड मार देगा, ये मेरा जो नेड था ना ये उस पर पूरा डैमेज कर देगा। इस पर घुसता हूँ, एक गोली खाली लगेगा इसको। चलो ये बंदा मर जाएगा। अब यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा हील कर लेते, अभी सीन होगा मेरे साथ। देखो ब्रो, देखो गाइस। तो चलिए ऐसा है कि नेट फट गया। ये गेम तो बस इतना ही था, 18+ इनफ है। ठीक है, दूसरे गेम प्ले में हम आते हैं। तो इस गेम प्ले में क्या है ना, इस गेम प्ले में भी बंदा धासु बंदा बचेगा। ऑलरेडी मैं जो है ना पोजीशन लेके रखा था ये पोजीशन, तो इसके वजह से मेरे पे थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि बहुत सारा बंदा जो बाहर रहता है ना, वो लोगों का फाइट होता है तो वो लोग मर जाता है। तो अभी मैं यहाँ से सीधे सीधे निकलता हूँ जोन के लिए। अभी आप लोग देखो गाइज, ये गेम प्ले तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ज़रूर देखें और कैसे सर्वाइव किया जाता है एकदम। ये तो एकदम पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स ये वीडियो ही समझ लीजिए। मेरा KD उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि रैंक पुश में KD बहुत गिरता है। मेरा तो गिरा है, फर्स्ट टाइम किया है ऐसा, लेकिन देखते हैं। वैसे आप सीज़न 1 का मेरा देख सकते हैं KD स्क्वाड में। सामने बंदा ये स्क्वाड,
किल मुझे मिल ही जाता है, क्योंकि सामने बंदा, ये अभी इस जोन में सबसे बेहतर ये है कि आपको बाहर ही रुकना है। अगर ओपन में जोन बनता तो एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर, ये सामने से बंदा आ रहा था, ये तो इजीली मर गया, तो यही सीन होता है, एडवांटेज यही मिलता है। अगर आप बाहर से खेलते हैं, मतलब जो अगर ओपन में जोन बनता है और आप एंड टू एंड खेलते हैं, जोन के एकदम एंड टू एंड एकदम जोन के साथ एकदम सर्कल में आते रहेंगे, तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पीछे कोई नहीं है, पीछे माने जैसे ये सब बंदा जो हम भी मारे तो इसके पीछे हम हैं क्योंकि हम कॉर्नर पे थे, तो ये सीन होता है। आप ये गेम अभी 14 अलाइवन, आप लोग ये देखिएगा कैसे मैं इसमें एंड तक सर्वाइव करता हूँ। चिकन आएगा नहीं, वो तो आप लोग गेम प्ले देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो हाँ गाइज, वॉइस ओवर में अगर कुछ दिक्कत हो रही तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, व्यूज़ आए नहीं आए मेरे चैनल पे, वो तो लक पे डिपेंड है, क्या होता नहीं होता। बट अभी तो फ़िलहाल के लिए सोलो रैंक पुश में जो है, अभी मेरा 40-45 रैंक मेरा जो है मेरी है, तो अभी हम देखते हैं कितना आगे पुश कर सकते हैं। सामने की तरफ सब बंदे ओपन में लेटे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए। और हाँ, और भी बंदे लोग जो कमेंट मेरे पे आते हैं, बहुत सारे वीडियोस पहले भी जो अपलोड शॉर्ट्स बहुत करता था मैं, तो वो सब में भी बहुत कमेंट आते हैं सपोर्ट। तो गाइज़ हाँ, सपोर्ट करूँगा, ज़रूर करूँगा। आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करूँगा। और हाँ, इस वीडियो में अगर आप लोग अभी तक बने हैं तो ही आप लोग ये समझ पाएंगे कि हाँ, मैं इसमें बात किया हूँ कि कैसे हाँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि भाई अगर हम ग्रो होंगे तो कोई और भी ग्रो होना चाहिए। तो जैसे कि जोन अभी शुरू होने वाला, तो मैं एक जगह कहीं पे एक लोकेशन स्पॉट ले लेना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ गाड़ी रोक के ले, मेरे सामने एकदम US में एक बंदा है, वो बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है, लेकिन ये बंदा सामने वाला ये फुल्ली डैमेज था, तो इसे मैं इजीली किल कर लेता हूँ। इसे मैं नेट मारूंगा, वो भी मुझे नेट मारेगा, लेकिन सीन ऐसा है कि दोनों का कोई असर नहीं होगा, दोनों में एक दूसरे में वेस्ट होगा नेट। तो ये बंदर इतना छाड़ा ना, स्मोक करेगा ये बंदा, और इसी में स्मोक में ही सब बंदों को स्पॉट करेगा गाड़ी में बैठ के। तो आप ये देखिए, अभी ये गेम प्ले जो है ना ब्रो, मतलब गाइज आप लोगों के लिए, मतलब थोड़ा सा फंबल जो भी हो रहा है वॉइस ओवर, ठीक है, कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हैबिट हो जाएगा। तो अभी ये जो बंदा है ना, यहाँ पे सब ओपन में 7 जो अलाइव है ना, एक हम मेरे अलावा जो छोड़ के 6 बंदे हैं, तो सब ओपन में ये जो है बंदा लेटे हुए। तो ये बंदा शाणा उसमें गाड़ी पे स्मोक डाल के सबको स्पॉट कर रहा है, लेकिन ये बंदा को जो है ना, ये बंदा भी मरेगा, मेरे से तो नहीं मरेगा लेकिन किसी ना किसी से मरेगा भी। और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि इसे स्पॉट करूँ सामने जाके, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा भाई सेफली बहुत ही सोलो में कहीं कोई भी, अभी इतना अभी 1 मिनट बाकी जोन होने में, तो इसके वजह से अगर हम कहीं और जाते तो पीछे से भी कोई बंदा मुझे स्पॉट कर सकता, तो वहाँ पे मेरा फिर कंफर्मेशन है कि बंद मर जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए इसलिए मैं यहाँ वापस से अपने बग्गी के पीछे सेफली एकदम कवर पर आ जाता हूँ, ताकि मुझे एक स्पॉट और एक टाइम मिले तो ही मैं मारूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बंदा स्मोक पे गाड़ी पे बैठा हुआ, सामने की तरफ भी एक बंदा है, लेकिन वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं करे, इसके वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को कवर पे लेता हूँ। तो अभी ये जो सामने वाला बंदा है ना स्मोक पे, ये गाड़ी पे बैठ के बंदा स्पॉट कर रहा है, देखिए भाई ये फायरिंग किया, अभी ये बंदा को जो है ना, ये बंदा को जो है ना मैं बहुत डैमेज दिया था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये बंदा से ना मर नहीं पाया। तो अभी जोन शुरू होने से पहले ही मैं चाहता था कि अब मैं कहीं और एक जगह कहीं स्पॉट ले लूँ, तो बंदा तो हर तरफ था, अभी भी 5 बंदे अलाइव मेरे अलावा। तो अभी मैं भी देखो क्या करता हूँ, मैं कैसे इस अपने आप को जगह बनाता हूँ अपना। तो ये गाइज, ये बंदा को मार के जगह बनाना, तो और कोई ऑप्शन नहीं, मारना तो पड़ेगा क्योंकि हर तरफ बंदा लेटा हुआ। तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। KD बहुत कम है, KD आप लोग देख सकते हैं रैंक 45 में भी हम सोलो में एशिया सर्वर जो भी है इंडिया BGMI का सर्वर पे। तो अभी जो है कोशिश करेंगे कि ऊपर तक जाने की जो भी होगा, और KD तो पुश करना ही है कुछ भी हो। सामने की तरफ एक बंदा जो था ना, वो जो US वाले को डैमेज दिए थे, वो बंदा सामने एक जगह लेता है यहाँ पे, लेकिन मुझे स्पॉट नहीं होता, इसके वजह से मैं नेट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा को नेट नहीं लगता। तो ये मुझे, मेरे से तो नहीं लगता, लेकिन ये बंदे को सामने वाला बंदा फिनिश कर देता है। अब देखिए गाइज आप लोगों को क्या मज़ा आएगा, अभी थोड़ा सा अभी जो टेक्निक अप्लाई होगा ना, अभी मैं यहाँ पे गाड़ी पे स्मोक मार के मैं इस पर बैठ जाऊँगा, फिर स्पॉट करूँगा बंदा कहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, बंदा तो कोशिश को, ये सामने वाला बंदा जो मारा था ये स्मोक कर रहा है, स्मोक जैसे ही मारा तो फिर ये बंदा थोड़ा सा राइट होगा, ये बंदा राइट होगा, स्पॉट होगा मुझे, फिर देखिए उसे कैसे मैं भरूँगा। उसका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि
ऑप्शन नहीं है उसके पास, ये बंदा स्पॉट हुआ। अभी देखिए गाइस, ये खत्म। अब होगा मेरे साथ बहुत, अभी ओवर स्मार्ट कभी नहीं बनना चाहिए। अभी क्या है ना, हम थोड़ा सा स्मोक मार डाल के फिर गाड़ी पे बैठ गए, फिर हम सोचे कि इसको मारेंगे, लेकिन ये बंदा अपना लोकेशन देता, हम अंधा घुसते, ये गलत हम किए, इसके वजह से उसका भुगतान हमको करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, अभी क्या कर सकते हैं, अभी अंधा घुसेंगे तो ऐसे ही मरेंगे। खैर, प्लस तो 19 हो चुका है, तो थैंक यू गाइज सो मच।